हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आज ये ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक क्रिएट किया है जो आप वेयर कर सकते हैं दिवाली पे एंड भाई दूज पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज़ आपका मेकअप पैची दिख सकता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर मॉइस्चराइज़र के बाद प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। प्राइमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंने प्राइमर के लिए यहाँ पे एलोवेरा जेल का यूज़ किया है। प्राइमर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं बीबी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ एंड मैंने पॉन्स की बीबी क्रीम का यूज़ किया है। नेक्स्ट मैं लूज़ पाउडर की हेल्प से अपने फेस को सेट कर लूँगी एंड मैं यहाँ पे लैक्मे का रोज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं अपनी आईज़ को ब्राइट करने के लिए बेकिंग मेथड का यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं अपनी आईब्रो को फिल कर लूँगी एंड आईब्रो को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी आईब्रो को फिल करना चाहिए। अब एक ब्रश की हेल्प से मैं सभी एक्सेस पाउडर को रिमूव कर लूँगी। नेक्स्ट हम आई मेकअप करेंगे। मैंने अपने आईलिड को बीबी क्रीम की हेल्प से प्राइम कर लिया था एंड नेक्स्ट मैं पिंक कलर का आई शेडो लेकर अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। एंड आपको भी सेम स्टेप फॉलो करने हैं अगर आप ये लुक क्रिएट करते हैं तो। कलर को धीरे धीरे पिक करके आपको अप्लाई करना है जब तक आपका डिज़ायर अमाउंट का कलर आपको नहीं मिल जाता। नेक्स्ट मैं यहाँ पे पर्पल शेड पिक कर रही हूँ एंड उसको अपनी आउटर वी पे प्लेस कर लूँगी। मैं बहुत सिंपल सा मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ एंड आप चाहे तो आप भी इसे आसानी से क्रिएट कर सकते हैं घर पर। नेक्स्ट मैं पिंक शेड पिक कर रही हूँ एंड अपनी इनर वी पे अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ एंड मैंने यहाँ पे लैक्मे का इंस्टा लाइनर यूज़ किया है। नेक्स्ट मैं काजल अप्लाई कर लूँगी एंड मैं यहाँ पे लैक्मे का काजल यूज़ कर रही हूँ। पर्पल शेड लेकर मैं अपनी लोअर लैश लाइन को स्मज कर लूँगी एंड इनर कॉर्नर में पिंक कलर अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट हम ब्लश अप्लाई करेंगे अपने फेस को कलर देने के लिए, क्योंकि जब हम अपना बीबी क्रीम या फिर फाउंडेशन लगाते हैं तो आपका फेस बहुत ही ज़्यादा वाइटिश दिखने लगता है, तो कलर देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड मैं यहाँ पे नोज कॉन्टोरिंग के बाद हाइलाइटर का यूज़ कर रही हूँ एंड मैं फेस को कॉन्टोर नहीं करूँगी। मैं यहाँ अपने फोरहेड को भी हाईलाइट कर रही हूँ। अगर आपका फोरहेड बड़ा है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। मैं अपनी ब्रा बोन्स को भी हाईलाइट कर रही हूँ। पिंक आई शेडो की हेल्प से मैं अपने यहाँ पे इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं लिप लाइनर को एज अ लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ।
लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद मैं अपने मेकअप को सेट कर लूँगी सेटिंग स्प्रे की हेल्प से। एंड मैं मस्कारा अप्लाई करना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। एंड मैंने यहाँ पे मेबलिन का मस्कारा यूज़ किया है।